नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ, मेरा थोड़ा हेल्थ ख़राब है ना। और ये जो आवाज़ है, ये इस आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, भारी भारी सा आवाज़ लग रहा है ना। और गले में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, जिसके वजह से मैं बोलने में थोड़ा असमर्थ था। और इसी के यही एक हमारा एक रीज़न है कि मैं काफ़ी दिनों तक आप सभी के साथ खड़ा नहीं हो पाया, है ना, और क्लासें नहीं दे पाया। फिलहाल अभी भी मैं इतना हेल्दी नहीं हो पाया हूँ, बट कोई ना, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, है ना। तो फाइनली देखिए, अब मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ एक ऐसा एडवर्टीजमेंट लेकर, एक ऐसा विज्ञापन लेकर जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आया हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, उत्तर प्रदेश का जो कोर्ट है, वहाँ से दोस्तों एक वैकेंसी निकल के आई हुई है ट्यूबवेल ऑपरेटर के नाम से, आईटी वालों के लिए, है ना। उसमें 10th लेवल की भी जॉब है, 8th लेवल की भी जॉब है और आईटीआई वालों के लिए भी जॉब है। अब आप किस लेवल के छात्र हैं, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन का हम रिव्यू करते हैं, जिसमें समझ रहे होंगे कि योग्यता मीन्स क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या है। मैं पहले ही आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होना है, बट दोनों स्टेज का जो सिलेबस है वो सिमिलर है। एग्जाम पैटर्न्स कैसा होगा, क्या निगेटिव मार्क्स होंगे या फिर नहीं होंगे, है ना। एज लिमिट है, क्या आप भर पाएंगे फॉर्म को या फिर नहीं भर पाएंगे, या ओवर एज हो चुके हैं ना। ये सारी चीज़ें ये उम्र सीमा में देखेंगे, बाकी पढ़ने वाली चीज़ें सिलेबस में देखेंगे, क्वालिफिकेशन वाली चीज़ें इस पर देखेंगे, बाकी एग्जाम्स का पैटर्न्स कैसा है, एग्जाम्स का स्कीम कैसा है, सेंटर कहाँ कहाँ होने हैं इसके, है ना, उस पर हम डिटेल से एग्जाम पैटर्न्स वाले ऑप्शन पर समझ रहे होंगे। तो चलिए, नोटिफिकेशन को मैं आप सभी के सामने पेश करता हूँ। और ये जो नोटिफिकेशन है, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपलोडेड है, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी अपलोडेड है ना। तो आप इसको दोनों जगह से चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। और फाइनली देखने के बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है मेरे भाई, पहले ही आपको नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ चलिए, है ना, ये देखिए, ये जो है दोस्तों, ये वैकेंसी स्टार्ट कब से हो रही है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। ये वैकेंसी स्टार्ट हो रही है आपका 4 अक्टूबर से, यानी कि 4 अक्टूबर, है ना, आज 9 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इनका जो वेबसाइट है, लिंक जो है वो एक्टिव हो चुकी है, फॉर्म सबमिट हो रहे स्टार्ट हो चुके हैं। और 24 अक्टूबर तक, यानी कि टोटल 20 दिन, है ना, टोटल कितना, टोटल 20 दिन फॉर्म अप्लाई होने हैं। और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी कि फीस जमा करने का जो है टाइम वो है 1 दिन, यानी कि आप 4 से लेकर के जिस दिन फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी दिन से तुरंत, जैसे फॉर्म अप्लाई हो गया तो फीस भी पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 1 दिन अलग से एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि आपका अगर कुछ करेक्शन करना है, फॉर्म अगर बाय मिस्टेक आपने गलत भर दिया है, तो उसके लिए इन्होंने टाइम दे रखा है यहाँ से 26 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक। लेकिन आपको सारा नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद ही फॉर्म को भरना है, फिलअप करना है, ताकि ये सिचुएशन ही ना आए कि आपको करेक्शन करना पड़ जाए, ठीक है ना। देखिए, अगर देखा जाए कैटेगरी डी जो है, कैटेगरी डी के नाम से पोस्टें निकाली गई हैं, इसमें बहुत सारी पोस्टें ऐड हैं, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, आईटी वालों के लिए, है ना, प्रोसेस सर्वर, फिर है ऑर्डरली प्यून की भी है, ऑफिस प्यून की भी है ना, फ्रेश की भी है, फ्रेश चौकीदार, ठीक है ना, और वाटरमैन के लिए भी है, स्वीपर के लिए माली कुली, है ना, बिस्ती लिफ्टमैन और स्वीपर कम फ्रेश। तो इतने पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 1600 प्लस यहाँ पर पद हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के, आप जनरल हैं या फिर अदर स्टेट वाले हैं आप, तो भी आप
यूआर में ही काउंट होंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी हैं ठीक है ना, उनको 800 रुपये देना होगा फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज। बाकी जो ई मित्र वाला अपना चार्ज लेगा 150 रुपये, उसको भी आपको ऐड करना है। अगर आप यूपी के EWS कैंडिडेट हैं तो 700 रुपये, अगर आप यूपी की STSC हैं तो फिर आप 600 रुपये आपको देना होगा। अदर स्टेट वाले भी भरेंगे, लेकिन सब अनरिजर्व में ही काउंट होंगे मेरे भाई, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको पता भी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप तक किसी न किसी वैकेंसी में ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, है ना, तो आपको ये चीज़ें पता होती है। अगर यहाँ इन्होंने एडमिट कार्ड की बात कही है, तो एडमिट कार्ड के बारे में हम भी थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपको कैसे करना है। तो जो ये अनाउंसमेंट करेंगे, है ना, एक लेटर के थ्रू नोटिस पब्लिश करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना है, ठीक है। बाकी आंसर की जो है ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इसको भी डालेंगे, और डिक्लेरेशन रिजल्ट यानी कि जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले ही पेज पे दे रखा है, तो मैं भी डिटेल से यहीं पे बता देता हूँ, आगे पूरे नोटिफिकेशन को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी, नहीं होगी, ठीक है ना। आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है, ठीक है, तो टाइम को भी हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जो स्कीम है या फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ना, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया था, वो टू स्टेज में होना है। स्टेज फर्स्ट देखिए, स्टेज फर्स्ट जो है वो OMR, क्या है OMR, ऑफलाइन को दर्शाता है OMR, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है। और जो इसमें पूछा जाएगा सब्जेक्ट, जैसे कि जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी, सब आठवीं लेवल का रहेगा। यही सिलेबस इसमें भी रहना है, लेकिन यहाँ से कितने बच्चों को उठा करके स्टेज सेकंड के लिए एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा, वो 5 गुना बच्चों को, यानी कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है ना, उसमें से अगर मान लीजिए कि 10 गुना बच्चे पास हो गए, तो 10 गुना बच्चों को ये नहीं लेंगे, ओनली फॉर 5 गुना बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टेज टू देने के लिए, ठीक है। और दोनों का जो सिलेबस है सेम है, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाना है इसमें भी, 100 नंबर का इसमें भी, यानी कि टोटल फाइनल देखा जाए तो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना है। नो नेगेटिव मार्क्स, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। स्टेज फर्स्ट की आपने प्रिपरेशन कर लिया, समझिए स्टेज सेकेंड भी आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। डेट टाइम एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब आपको कौन बताएगा, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको विजिट करते रहना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में सारी चीज़ें जो है अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपने ग्रुप डी की ये जॉब है आपने देख लिया, है ना, और किन किन पदों के लिए वैकेंसी है ये भी आपने देख लिया। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए भाई कि क्या है इस, मतलब कि इस वैकेंसी का मॉड्यूल क्या है, तो देखा जाए तो ट्यूब वेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए ये जो टोटल वैकेंसी ये रही, देखिए 1639, ठीक ठाक है अपने आप में, है ना। पे स्केल देखा जाए तो 5200 से लेकर के 20200, माना कि यहाँ पर पे स्केल कम है दोस्तों, है ना, लेकिन बेरोजगारी का दौर है, सरकारी नौकरी भी चाहिए, तैयारी भी अच्छी नहीं है, तो इससे बढ़िया ऑफर मैं आपके लिए कहूँगा कि और कोई वैकेंसी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो 5200 से 20000, है ना, ग्रेड पे 1800 इन्होंने लगाया है, जो कि लेवल 1 या 2, लेवल 1 की ही जॉब है आप समझिए, ठीक है ना। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जूनियर हाई स्कूल, यानी कि 8वीं पास आपने कर लिया है, और गवर्नमेंट ने एक कौशल विभाग की तरफ से एक स्कीम लॉन्च किया है, एक स्कीम बनाया हुआ है कि आप 8वीं जस्ट से पास करते हैं, 8वीं के जस्ट बाद अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में आना, तो 1 साल का आपको वहां पर कौशल, मतलब कि 1 साल का आपको वहां पर IT कराया जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, है ना, तो वो वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, फॉर्म को आप भर देंगे, ठीक है। बाकी अदर यहाँ पर जो पोस्टें निकली हुई हैं इनका भी आप डिटेल से देख लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ पोस्टें हैं जो 10th लेवल की है, है ना, हाई स्कूल, और कुछ हैं जो 8वीं लेवल की है, और कुछ जो है वो 6वीं लेवल की भी है, 6th लेवल की, जैसे कि स्वीपर कम फ्रेशर कैटेगरी डी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। बाकी रिजर्वेशन किसको कितना मिलना है, रिजर्वेशन तो उसी को मिलेगा जो यूपी का कैंडिडेट होगा, जैसे कि SC 21%, ST 2%,
ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस जो है ये 10%, जनरल वालों को तो कभी मिला नहीं है, वो माइन है तो 20% है ना, फ्रीडम फाइटर 0.2%, एक्स सर्विसमैन 5%, फिजिकली हैंडीकैप्ड 4% और स्पोर्ट पर्सन को 1% यहाँ पर जो है रिजर्वेशन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों, सरकारी नौकरी है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर आपको नौकरी करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया, थोड़ा सा देखिए एज लिमिट का क्या है यहाँ पर सीन, एज लिमिट है ना, पॉइंट नंबर 4.2 को देखिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए है ना, और शादी ब्याह के लिए भी 18 वर्ष ही पहले था, अब तो बढ़ा करके इसको और बढ़ा दिया गया है एक दो साल, तो 18 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 40 साल। अब देखिए कोई ऐसा बंदा कह ही नहीं सकता कि मेरी एज इससे ज़्यादा हो चुकी है, मैं फॉर्म को नहीं भर सकता हूँ, ठीक है ना। 18 प्लस एसटी एससी को जो छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, वो 5 वर्ष और, यानी कि 45 वर्ष एसटी एससी वाला और ओबीसी वाला 43 है ना, 3 साल का उसको भी रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने बहुत अच्छा सेट किया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट की वजह से किसी को यहाँ पर बाहर होने वाली दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेशनलिटी क्या है भाई, अपने इंडिया के जितने भारत, यानी कि पूरे अपने भारत देश के किसी भी राज्य से आते हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई सा भी विज्ञापन में कोई भी छात्र अगर इंटरेस्टेड रखता है तो वो सबसे पहले जानना चाहता है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसा कैसा है। तो मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम होगी, स्टेज फर्स्ट जो है ये 100 नंबर का होगा है ना, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, बट पढ़ना क्या क्या होगा, जैसे कि हिंदी, हिंदी में क्या पढ़ना होगा, 8वीं लेवल का है यार, हिंदी में क्या पढ़ना होगा, हिंदी में जिसे वही आते हैं संधि विच्छेद, समास, उपग्रह है ना, ये सारी चीज़ें जो आती है, अलंकार वगैरह आती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है हिंदी में, 8वीं लेवल की पढ़ना है, इंग्लिश हो गया, पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ टाइप का यहाँ पर सवाल आएंगे है ना, एक पैराग्राफ रहेगा उसमें नीचे सवाल रहेंगे 5, 6, 2, 4, उसको आपको उसमें से ढूंढना होगा, जिसको हिंदी में गद्यांश पद्यांश बोलते हैं, इंग्लिश में ये पढ़ना होगा, ग्रामर वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, यही सारी चीज़ें आएंगी, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स है ना, ये सारी चीज़ें हैं। 100 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो, क्योंकि निगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर नहीं है। अगर आपने स्टेज फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लिया ना इसका सिलेबस, तो स्टेज सेकेंड अपने आप निकल जाएगा है ना, स्टेज सेकेंड में भी वही चीज़ें हैं जो स्टेज फर्स्ट में है, निगेटिव मार्क्स भी नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन का यहाँ पर जो फॉर्मेट रहने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है ना, हिंदी वाला हिंदी को अटेम्प्ट करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश को, ठीक है ना, तो दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है इस वैकेंसी ने ध्यान रखा हुआ है ना। मुझे लगता है सारी चीज़ें दोस्तों आप तक पहुँच चुकी है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग है ना। चलिए एक तरह से देखी जाए तो एक वैकेंसी है जो साफ़ सुथरी वैकेंसी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आपको जॉब करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल फॉर्म को भरेंगे, और फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है ना। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पहले आपको क्या करना है, पूरे नोटिफिकेशन को ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें समझने के बाद आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिएगा अगर क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो, मिनिमम सा क्वालिफिकेशन है हर किसी के पास होगा आज के टाइम पे, ठीक है ना। चलिए अब हमारा अगला सेशन क्या होने वाला है दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो एग्ज़ाम डेट जो है ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है ना, सभी जितने फॉर्म आ चुके हैं, चाहे वो आरआरबी एएलपी के लिए हो, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के लिए हो है ना, एनटीपीसी, इन सभी के लिए दोस्तों जो है ये अनाउंसमेंट डेट कर दिया गया है एग्ज़ाम को लेकर के। तो अगला जो हमारा टारगेट है उस पर हम आपके लिए एक सेशन लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए है ना, इसलिए आप हमारे साथ आप कॉन्टेक्ट में रहिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अगले सेशन में फिर से मिलने वाले हैं है ना, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।